इनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कविता अपने आप में वक्तव्य होती है, इसलिए कविता ऐसी कहें जिसके के बीच बीच में व्याख्या करने की आवश्यकता ना हो। कोशिश ये करें कि हमारी कविता ही हमारी बात को संप्रेषित करे। दूसरी बात, आप गद्य में लिखें। आजकल गद्य कविता, जिसे नई कविता कहते हैं, अब तो नई कविता का नाम भी पुराना हो गया, नई कविता भी 60 के दशक से एक नया आयाम ले बैठी है। नवगीत लिखें या गीत लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन उसमें काव्य का अंश होना चाहिए। कोशिश करें कि वो काव्य झलके उसमें, काव्य में और गद्य में। कविता भले ही गद्य कविता है, लेकिन उसमें भी काव्य का अंश है। वो संप्रेषणीयता उसकी वैसी होनी चाहिए जैसी काव्य की हो। तो चूंकि मुझे अध्यक्षीय आसन पर बिठाया है, तो दायित्व तो बनता है कि कुछ बातें आज की गोष्ठी के बारे में कहूँ। आज की गोष्ठी अद्भुत हुई, अनुपम हुई, अनिर्वचनीय हुई। ऐसी कविताएं सुनने को मिली। आदरणीय प्रोफेसर साहब को सुना तो बहुत अच्छा लगा। फिर आप गद्य में लिखते हैं, नई कविता लिखते हैं, अच्छा है। मैं नई कविता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन छंद में लिखना मुश्किल होता है। नई कविता को मैं कहता हूं कि सोने के बिस्किट की तरह आप तोड़ दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, टेढ़ा हो जाए, उसकी कीमत सोने के भाव से तय होती है। लेकिन गीत, गीत या नवगीत, वो सोने का आभूषण है। उसको रचने में आपको एक एक मोती को देख करके जड़ना पड़ेगा, कहाँ शब्द का मोती कैसे जड़ा जाए, उस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। और स्वर्ण का जो आभूषण होता है, वो सोने की कीमत में नहीं, उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो इस बात को ध्यान रखें, तो अच्छा लिखें, और आपको बहुत शुभकामनाएं अब भविष्य की। अब मैं अपनी रचना, आज वासंती मौसम है, होली नजदीक है, और आदरणीय किशोर पारिक जी ने बहुत सुंदर शिल्प का गीत पढ़ा। उसी में उन्होंने विरह की बातें भी कही कि उन पर क्या बीतती होगी जो वासंती मौसम में जिनका कंत जिनके निकट नहीं होता। इसी संदर्भ में वसंत का एक गीत। फिर धरा पर आ गया ऋतुराज देखो, फिर धरा पर आ गया ऋतुराज देखो, किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए। फिर धरा पर आ गया ऋतुराज देखो, किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए। चढ़ गई है प्रेम धन पर ब्याज देखो, चढ़ गई है प्रेम धन पर ब्याज देखो, बिन तुम्हारे कौन इस ऋण को चुकाए। किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए। बंद देखें। डालियां सजने लगी नव कोंपलों से, जग उठी सोई हुई मृदु कामनाएं। जा डालियां सजने लगी नव कोंपलों से, जग उठी सोई हुई मृदु कामनाएं। तृप्त ने संन्यास का आंगन बुहारा, ढूंढती है प्यास की संभावनाएं। जब खुल गए उन्माद के सब राज देखो, खुल गए उन्माद के सब राज देखो, कौन अब झूठी नई सौगंध खाए। किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए। गुनगुनाते हैं भ्रमर उन्मत्त होकर, एक मीठी सी कसक उठती हृदय में।
रात शहदी ली हुई कचनार फूले, मैं विरह कैसे सहूं इस तरुण वय में, कोयलों की ये मधुर आवाज देखो, विरहिणी के प्राण में पीड़ा जगाए, किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए। इंद्रधनुषी पंख वाली तितलियों ने फूल के कोमल कपोलों को छुआ है, इंद्रधनुषी पंख वाली तितलियों ने फूल के कोमल कपोलों को छुआ है, गंध महुआ की फिजाओं में घुली है, हर पपीहा प्रीति में पागल हुआ है, चिर प्रतीक्षा का मेरा अंदाज देखो, चिर प्रतीक्षा का मधुर अंदाज देखो, नित्य मैंने घर गली आंगन सजाए, किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए। खेत में सरसों खिली सौरभ लुटाती, फिर धरा की देह पर हल्दी चढ़ी है, खेत में सरसों खिली सौरभ लुटाती, फिर धरा की देह पर हल्दी चढ़ी है, आम्रतर की मंजरी की गंध कहती, आज मैंने प्रेम की पाती पढ़ी है, नव मृणालों में जड़े पुखराज देखो, नव मृणालों में जड़े पुखराज देखो, नील नभ के बिंब झीलों में समाए, किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए। लालिमा गहरी पलाशों की हुई है, लालिमा गहरी पलाशों की हुई है, देह में मादक खुमारी छा रही है, भानु की नव रश्मियों के मृदुल चुंबन उपवनों की हर कली शर्मा रही है, देह का संगीत मन का साज देखो, देह का संगीत मन का साज देखो, कौन तुम बिन प्रीति की वीणा बजाए, किंतु साजन लौट। दैहिक श्रृंगार को संकेतों से कह देना, ये कविता होती है। अंतिम बंद देखें कि लौट आओ प्यार की सौगंध तुमको, सौगंध भी किसकी देती है, ना अपनी, ना खुद की, ना माँ बाप की, ना भगवान की, प्यार सबसे बड़ा है। कि लौट आओ प्यार की सौगंध तुमको, ये सुहानी ऋतु न साजन बीत जाए, लौट आओ प्यार की सौगंध तुमको, ये सुहानी ऋतु न साजन बीत जाए, मद भरा अनुराग का मधुपात्र मेरा, हो कहीं ऐसा न ये भी रीत जाए, शीश मन सिज के सजा है ताज देखो, शीश मन सिज के सजा है ताज देखो, ये तुम्हारी रत कहो किसको रिझाए, ये तुम्हारी रत कहो किसको रिझाए, किंतु साजन लौट कर तुम आ न पाए, किंतु